यूपी के अलीगढ़ में जिला पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक विभाग को अवैध चावल का कारोबार की जानकारी मिली, जिसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंचे और अवैध चावल कारोबारी पर छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 दर्जन अवैध चावल के बोरे बरामद किए। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी शिवकांत पांडे ने बताया कि बीते दिन अवैध चावल का कारोबार होने की सूचना मिली थी। इसी मौके पर विभागीय अधिकारियों को भेजा गया था, जहाँ कारोबारी की दुकान बंद मिली। वहीं बंद पड़ी दुकान को विभागीय अधिकारियों ने सील कर दिया था। साथ ही करीब 1.5 दर्जन अवैध चावल के बोरे भी बरामद किए गए थे। देखिए, कल रात यह सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है शायद राशन के चावल रखे हुए हैं, तो कल एक टीम आई हुई थी, हमारी एआरओ साहब थे उसमें और आपूर्ति लिपिक थे, तो एसीएम साहब भी थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, उनके द्वारा ही सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें कल रात जब वो आए तो यहाँ पे कोई मिला नहीं, तो दुकान पे सील लगा के चले गए।